हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिबेट। मैं ऋतु गुप्ता आज आप सभी के लिए सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मावा और तिल के लड्डू। तिल सर्दियों में आपके शरीर को बहुत गर्म रखते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, इससे हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाते हैं। तो आज हम तिल और मावे के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए तैयार करते हैं तिल मावा लड्डू। इसके लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम तिल लिए हैं, जो कि 1 कप तिल हैं, और एक हैवी पैन में इसको हम भून लेंगे। तिल को भून लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और इसे भूनने में बहुत समय नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ही तिल भून जाते हैं। और इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा इसमें कलर चेंज करना है। जब ये तिल भुन जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें से, और थोड़ा थोड़ा तिल फूलने लगेगा, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि तिल भुन गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा कलर पहले से चेंज हो गया है, देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा तिल फूल गया है, तो ये तिल भुन गए हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, और ये तिल हमें ध्यान रखना है लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में डाल लेते हैं, और प्लेट में हम इन्हें ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद ही हम इन्हें थोड़ा सा पीस लेंगे। और ये आप पर डिपेंड करता है, आप इन्हें बहुत बारीक पाउडर बनाना चाहते हैं या फिर मोटा, तो इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मावा। मावा मैंने 250 ग्राम लिया है, और ये घर पर बनाया हुआ ही मावा है। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसे भी हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनना है, और इसे लगातार चलाते रहेंगे, और मावे को मीडियम से लो फ्लेम पर भूनें। अगर गैस ज़्यादा तेज पैन गर्म हो जाता है तो गैस का फ्लेम लो कर दें, अदरवाइज मीडियम पर आप इसे इजीली भून लें और लगातार चलाते रहें। जैसे जैसे मावा भुनेगा, देखिए थोड़ा सा पतला हो गया है ये, अभी तो ये पैन में थोड़ा चिपक रहा है, जैसे जैसे भुन जाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और एक बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सी इसमें खुशबू आने लगेगी। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना होगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें अब कलर चेंज होने लगा है, देखिए, और ये पैन से भी अब कम चिपक रहा है, थोड़ा इकट्ठा भी हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसे लगातार इस कंडीशन तक भूनना होगा। थोड़ा सा हम इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे, बहुत ज़्यादा समय इसे भूनने में नहीं लगता है, इसे 5 से 7 मिनट में ही ये हल्का कलर इसका चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये पैन को भी छोड़ रहा है, इकट्ठा हो गया है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको भी इसी पैन में थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। और इस तरह से इसको थोड़ा ठंडा कर लें, और पैन में इस तरह से फैला दें, और मावे को भी अब थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो अब जो तिल हमने भुने थे उनको हम थोड़ा सा मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा उनको पीस रही हूँ। यहाँ पर आप दरदरा पीस लें, या फिर थोड़ा सा इन्हें बारीक पीस लें, किसी भी तरह से आप इन्हें पीस सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तिल पिस गए हैं, और अब मावा भी ठंडा हो गया है। तो आप इस तरह से टच करके देखें तो मावा बिल्कुल ठंडा है। और अब इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, तो जो तिल पीसे थे वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और ये यहाँ पर लिया है मैंने ड्राई कोकोनट, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे बहुत बारीक नहीं किया है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। ये 50 ग्राम है, और कप से यहाँ पे तो आधा कप ड्राई कोकोनट है। और ये कुछ अखरोट लिए हैं, 2 से 3 चम्मच अखरोट हैं, और इनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है थोड़ा। तो इसमें हम काजू या कोई बादाम नहीं ऐड कर रहे हैं, अखरोट का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 15 से 20 इसमें ली हैं किशमिश, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं कोई भी। ये ली है पिसी हुई चीनी, ये यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चीनी ली है, और कप से नापे तो 1 कप चीनी है, जिसे पहले पीस लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब सभी सामान हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है क्योंकि इसमें तिल का और अखरोट का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको पसंद है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको रब कर ले, क्योंकि जो मावा है ठंडा होने के बाद थोड़ी थोड़ी गांठ बन जाती हैं। तो इस तरह से रब करते हुए हम वो सभी गांठें खोल लेंगे। आप दोनों हाथ से इस तरह से मसलें तो सभी बिल्कुल अच्छे तरह से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और मावे में जो गांठ बन गई है ठंडा होने के बाद वो भी ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। हम हल्का सा इसे टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कैसा मीठा है। तो मीठा मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और आप कम या ज़्यादा जैसी भी चीनी पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर इस तरह से उसे लड्डू की शेप देंगे। आप देख सकते हैं एक हथेली से इसे इस तरह प्रेस करते हुए इसे गोल गोल लड्डू की शेप दें, बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं और तिल और मावे के लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप 20 से 25 दिन इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप घर का बना हुआ है तो इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा आता है और इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं आप इसे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। इस तरह से करते हुए लड्डू को बिल्कुल गोल शेप देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बना है और इसमें अखरोट का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस तरह से सभी लड्डू तैयार करें। और सर्दियों में तिल बहुत गर्म होता है तो इसलिए केवल 2 से 3 महीने ही तिल को खा सकते हैं, उसके बाद तिल नहीं खाए जाते हैं। तो आप देखिए इस तरह से सभी लड्डू मैं तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो देखिए ये सभी लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं तिल और मावे के, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और सभी लड्डुओं से बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को तैयार करें और मुझे बताएं कि ये वाली रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई और इजी रेसिपी के साथ।